इसराइल और भारत की दोस्ती के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ये दोस्ती किसी से छुपी नहीं है और अब इसी दोस्ती के नाते इसराइल ने भारत के सामने एक मांग रख दी है। ये मांग 1 लाख मजदूरों को इसराइल भेजने की है। इसराइल को लगता है कि अगर ये 1 लाख भारतीय मजदूर इसराइल आते हैं तो वो उनके युद्धग्रस्त देश का कायाकल्प कर सकते हैं। भारतीय मजदूरों को इसराइल में नौकरी के ऑफर का ये पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसी स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमास से जारी युद्ध के चलते इसराइल में कामगारों की कमी हो गई है। दरअसल इसराइल में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर फिलिस्तीनी नागरिक थे, लेकिन युद्ध के कारण इसराइल में फिलिस्तीनी श्रमिकों की स्थिति खतरनाक हो गई है। हमास की करतूतों ने फिलिस्तीन की छवि बिगाड़ कर रख दी है। इसराइली नागरिकों में फिलहाल इस वक्त गुस्सा भरा हुआ है, लिहाजा फिलिस्तीनी श्रमिकों ने अपने परिवारों की सुरक्षा को देखते हुए इसराइल छोड़ दिया है। यही कारण है कि इसराइल कंस्ट्रक्शन कंपनियों में फिलहाल मजदूरों की कमी हो रही है और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने नेतन्याहू सरकार से अपील कर 1 लाख भारतीय कामगारों को इसराइल आने देने की बात कही है। भारतीयों की स्किल्स का लोहा तो कई देश मान चुके हैं और अब इसराइल की पहली पसंद भी भारत के लोग हैं। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 71% इसराइली भारत और भारतीय नागरिकों को पसंद करते हैं। 71% इसराइली मानते हैं कि इसराइल और भारत सुख दुख के साथी हैं और भारत पर भरोसा किया जा सकता है। इसी डेटा को अब इसराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियां सच साबित कर रही हैं। वो चाहती हैं कि फिलिस्तीनियों की जगह अब भारतीय कामगार उनके देश में चल रहे अहम प्रोजेक्ट्स की बागडोर संभालें। कंस्ट्रक्शन कंपनियां चाहती हैं कि इसराइली सरकार 1 लाख भारतीयों को वर्क वीज़ा दे और भारतीयों को इसराइल में काम करने की परमिशन दी जाए। इसराइल में फिलहाल कंस्ट्रक्शन के सभी काम पूरी तरह ठप है। जिन बिल्डिंगों का कुछ दिनों पहले तक काम लगातार चल रहा था वो साइट अब पूरी तरह खाली पड़ी है। जिन लोगों ने मकान खरीद रखे थे वो लोग अब बिल्डर्स पर काम जारी रखने का प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अगर भारत से मजदूर विदेश में काम करने जाते हैं तो आर्थिक रूप से तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा ही होगा। हालांकि इस मुद्दे पर भारत सरकार का क्या फैसला रहता है ये देखने वाली बात होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत सरकार भारतीयों को ग्लोबल वर्क परमिट को लेकर काम कर रही है। I'm not sure specific conversations or you know requests. I saw some reports of 100,000 workers replacing. You know, as you are aware, we have been working with towards giving our citizens access to the global workplace. With Israel, there are already a number of Indian workers employed there, especially in the caregiver sector. Since I think 2022, we have been discussing a bilateral framework in the construction and caregiver sectors. But this is a long-term initiative. इसराइल की बात करें तो वहाँ कई भारतीय फिलहाल हेल्थ सेक्टर यानी अस्पतालों और क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं। याद रहे कि इसराइल इस वक्त जंग लड़ रहा है। बीते एक महीने में हजारों लोग इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में 1 लाख भारतीयों को इसराइल भेजना कितना सही रहेगा? भारत सरकार अगर सहमति देती भी है तो मजदूरों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा इसराइली सरकार को उठाना होगा। अपने आयरन डोम और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर इसराइल फिलहाल भारत और भारत के श्रमिकों के भरोसे बैठा है। 1 लाख भारतीय इसराइल की डूबती कश्ती को पार लगा सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए जी स्विच। मेरा नाम है वैभव।